दिस इज क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2017। क्वेश्चन इज वाटर हैज सरफेस टेंशन सिग्मा डेंसिटी रो। इट इज फिल्ड इन अ यू शेप कैपिलरी ट्यूब हेल्ड वर्टिकली। तो ये इस तरह की कैपिलरी है हमारे पास जो कि यू शेप की है और इसमें इस लिक्विड को हम फिल कर रहे हैं। द टू लिम्स ऑफ कैपिलरी आर रेडी आर एंड टू आर। तो ये जो रेडियस है इनके कैपिलरी के ये डिफरेंट है, इस तरफ आर और इस तरफ मान लेते हैं टू आर है। तो जो लेवल होगा वाटर का वो किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा वो हमें देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जो हाइट का फॉर्मूला होता है कैपिलरी में जो राइज करेगा लिक्विड, इट इज 2s cos थीटा अपॉन में आर रो जी। क्योंकि यहाँ पर हम वाटर लेवल ले रहे हैं तो cos थीटा की वैल्यू हम 1 कंसिडर करेंगे, यानी कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट है वो 2s अपॉन में आर रो जी, यानी कि हाइट सरफेस टेंशन पर डिपेंड करेगी, डेंसिटी पर, जी पर और आर पर। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों ही लिम्स के लिए, दो लिम्स हैं यहाँ पर, दोनों ही लिम्स में सेम लिक्विड भरा है तो उसमें सरफेस टेंशन सेम होगी, सेम लिक्विड है तो डेंसिटी भी सेम होगी, जी की वैल्यू भी सेम होगी। इसका मतलब हाइट जो है यहाँ पर वो इन्वर्सली डिपेंड करेगी रेडियस पर। इसका मतलब ये होगा कि रेडियस जिसका ज़्यादा होगा उसमें हाइट कम होगी, ठीक है। रेडियस अगर ज़्यादा है तो हाइट कम होगी क्योंकि इन्वर्सली डिपेंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते हैं। लोअर लिम देन द वाट लेवल ऑफ वाटर विल बी लोअर इन द लिम ऑफ रेडियस टू आर देन दैट इन द लिम ऑफ रेडियस आर बाय सिग्मा आर जी। देखो यहाँ पर हमें डिफरेंस भी निकालना है, तो डिफरेंस हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक H1 है, उसके लिए है 2s अपॉन में आर रो जी। तो जो H2 है उसके लिए हो जाएगा 2s अपॉन में आर की जगह पर 2r इंटू में रो जी। तो जो डिफरेंस आएगा H1 माइनस H2, डिफरेंस पूछा है यहाँ पर, वो हो जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस ले लीजिए आप, 2s अपॉन r रो g - 2s अपॉन में 2r रो g। तो कॉमन आएगा 2s अपॉन में r रो g, यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन में 2, यानी कि आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो 2s अपॉन में r रो g और 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा s अपॉन में r रो g। हाँ, इस क्वेश्चन में सरफेस टेंशन को ऐसे डिनोट ना करके सिग्मा से डिनोट किया हुआ है, तो आप इसमें सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा r रो g। तो जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, सिग्मा आर रो जी। और जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसमें हाइट कम होगी। तो देखो ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ते हैं। लोअर इन द लिम्ब ऑफ रेडियस टू आर देन दैट ऑफ द लिम्ब ऑफ आर बाय सिग्मा अपॉन में आर रो जी। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि लोअर किस में है, जिसमें रेडियस टू आर है, और डिफरेंस कितना है, सिग्मा आर जी, ये तो हमने फाइंड करा सिग्मा अपॉन आर ओ जी। तो ये ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेम तो नहीं होगी दोनों में, हायर इन द लिम ऑफ रेडियस आर देन दैट ऑफ लिम ऑफ टू आर। देखो रेडियस और डिफरेंस यहाँ पर देखा आर रो सिग्मा, तो ये इतना तो नहीं है, सिग्मा अपॉन आर ओ जी होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो गया। हायर इन द लिम ऑफ रेडियस टू आर एंड दैट ऑफ इन द लिम ऑफ रेडियस आर बाय सिग्मा अपॉन आर ओ जी। तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसमें हायर नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो एग्जैक्ट जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जब रेडियस ज़्यादा होता है तो जो राइज ऑफ लिक्विड होगा वो कम होगा और जो डिफरेंस आएगा वो मैंने आपको बताया सिग्मा अपॉन में आर ओ जी होगा।